रीड अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एलईडी. इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एलईडी बोथ आर द सोर्स ऑफ लाइट टू अस, बट इलेक्ट्रिक बल्ब कंजर्व्ड मोर एनर्जी, मोर इलेक्ट्रिक पावर देन कंपेयर टू एलईडी. एलईडी कम कंजप्शन में हमें ज्यादा लाइट देती है, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्ट करते हुए हमें कम रोशनी, कम लाइट देता है. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ? बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट लाइट में चेंज नहीं होती है, जबकि एलईडी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी में चेंज होती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की. इसमें देखिए, सबसे पहले फिलामेंट होता है, इस तरह से ये फिलामेंट है, और ये जो फिलामेंट है एक पतले कांच के बने हुए बल्ब में होता है, और नीचे इस तरह से इसमें होल्डर लगा रहता है. ये आपका होल्डर है, जिसको आप होल्डर कस्ट में, होल्डर केस में लगाते हैं. अब ये जो फिलामेंट है, इसके अंदर से टू वायर्स निकलती हैं, एक तो यहाँ साइड में अटैच हो जाती है, और एक वायर जो होती है वो नीचे यहाँ तक जाती है. ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा थिन वायर से बना हुआ होता है. ये फिलामेंट बहुत थिन वायर से बना हुआ होता है, और ये थिन वायर बनी होती है टंगस्टन से. टंगस्टन एक मेटल है, और मेटल जो होता है, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. बट वन मोर गुड क्वालिटी विद दिस टंगस्टन इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इज वेरी हाई. तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये बहुत थिन वायर है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने की वजह से ये टंगस्टन मेल्ट नहीं होता है. ये टंगस्टन की वायर मेल्ट नहीं होती है, मेल्ट होके टूटती नहीं है, और ये हमें लंबे समय तक लाइट की सेवा देता रहता है. ये जो दो वायर्स हैं, ये थिक वायर हैं. दिस इज आल्सो मेटेलिक वायर, बट दिस इज थिक वायर, एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फिलामेंट तक पहुंचाने का काम करती हैं. अभी जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है. ये आर्गन गैस क्या करती है, इस बल्ब में जब फिलामेंट चमकता है तो उसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देती है. अब इसके अंदर होता क्या है, बल्ब के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से ये फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना हुआ है, ये चमकता है. इसके अंदर चमक उत्पन्न होती है, और वो जो चमक है, जो ग्लो है, वो हमें लाइट के रूप में दिखाई देता है. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज नहीं हो रही, वो इसको एक तरह से जला रही है. और वो जलाने का जो प्रकाश है, वो जलने का जो वाइट या ऑरेंजिश लाइट है, वो हमें दिखाई दे रही है. और इस फिनोमिना को बोलते हैं इनकैंडेंसेंस. ये जो फिनोमिना है, ये इनकैंडेंस है, जिसके ऊपर ये बल्ब काम करता है, जिसमें लाइट सप्लाई करने के कारण फिलामेंट जलता है, जल के वो वाइट ऑरेंजिश हो जाता है, और वो हमें लाइट के रूप में दिखाई देता है. एलईडी में क्या होता है, एलईडी जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्ट चेंज होती है लाइट एनर्जी में. इसलिए एलईडी कम कंजप्शन पे ज्यादा लाइट एमिट करती है, ज्यादा लाइट हमें देती है, क्योंकि डायरेक्ट चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहा है. तो ये दोनों में
डिफरेंस है। अब देखिए फ्यूज और एमसीबी। फ्यूज एमसीबी मिनी सर्किट ब्रेकर। फ्यूज ये है आपका, दिस इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की शुरुआत में लगी रहती है। जैसे पोल होता है, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो थ्रो वायर्स आपकी घर तक आएगी, और घर के शुरुआत में आपके ये फ्यूज सिस्टम लगा रहेगा और मीटर लगा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए कितना आप कंजप्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने घर का सर्किट शुरू होगा। तो ये अपने घर की सर्किट की शुरुआत में लगा हुआ होता है फ्यूज। ये जो फ्यूज होता है ये आपका सेरेमिक का बना हुआ एक केस होता है। ये सेरेमिक जो आपके चाय के कप होते हैं उस तरह के जो सेरेमिक है उसका बना हुआ ये केस या कैस्टल है। इसके अंदर ये दो पीस जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, ये मेटल से बने हुए हैं, और इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक हम एक पतला तार लगा देते हैं। ये जो पतला तार होता है ये हमारा टिन और लेड का बना हुआ होता है। टिन और लेड का मिक्स करके वायर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूज वायर। इसको हम फ्यूज वायर भी कहते हैं। जैसा कि हमने बल्ब में देखा था, टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो भी बहुत थिन वायर है, बट टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई एंड इट कैन नॉट बी मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने टिन और लेड का फ्यूज वायर यूज किया है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर हमारे सर्किट में अचानक से ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उस सप्लाई को ब्रेक करने के काम आता है आपका ये फ्यूज वायर। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज वायर जो होता है वो टेम्परेचर के कारण, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई होती है तो उस टेम्परेचर के कारण ये फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट होकर टूट जाता है। इस तरह से मेल्ट होकर ये टूट गया। टूटने से क्या होगा, आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपके घर के पूरे सर्किट में वो हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई नहीं होगी, और उससे क्या होगा, आपके जो बढ़िया महंगे अप्लायंसेस हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी, वॉशिंग मशीन जो भी उस टाइम चल रहा है वो बच जाएगा। इस तरह से एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, आपके सर्किट को ओवर हीटिंग से बचाता है, ओवर हीटिंग से बचाता है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन करता है। जब भी बहुत मात्रा में आपके सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने वाली होती है तो ये फ्यूज वायर जो होता है जो टिन और लेड का बना हुआ है ये मेल्ट होके टूट जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपका सर्किट ओवर हीटिंग से खराब होने से, वायरिंग खराब होने से, अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। अब आता है आपका एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, एमसीबी होता है मिनी सर्किट, मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर। यानी कि अगर आपका घर है उसमें आपने बड़े सर्किट को अगर छोटे सर्किटों में बांटकर ये एमसीबी लगा दिए हैं तो आपका अगर सर्किट ब्रेक होना है, जैसे इस कमरे में मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस एक ही प्लग में लगा दिए, ओवरलोडिंग हो गई, और ओवरलोडिंग की वजह से ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, हम एक एक को बंद करेंगे उससे पहले ख़राब होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ओवरलोडिंग की स्थिति में एमसीबी का प्लग डाउन हो जाता है, और वो एमसीबी का प्लग डाउन होने से आपका उस रूम का, उस जगह का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। पूरे घर की सप्लाई चलती रहती है, एक जगह की सप्लाई बंद हो जाती है, और जब हम वो ओवरलोडिंग वाली स्थिति ख़त्म करते हैं तो एमसीबी को ऑन करके हम उस सर्किट को फिर से चालू
कर सकते हैं, यानी कि एमसीवी एक प्लग है जिसको हम, जो ऑफ तो अपने आप होता है, उसको ऑन हम खुद कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, एक छोटे सर्किट को ब्रेक किया, और इसने किस चीज से बचाया हमको, ओवरलोडिंग से, ओवरलोडिंग से इसने हमको प्रोटेक्ट किया। तो एमसीबी और फ्यूज बोथ आर सेफ्टी डिवाइसेस टू सेव आवर इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स अप्लायंसेस। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब हम किसी वायर में या वायर से बनी हुई कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी सेल से भी हो सकती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बैटरी भी हो सकता है, जब भी किसी वायर या कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो वो सप्लाई के दौरान वो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉइल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसमें हम जैसे एक नेल ले ली हमने, इस नेल के ऊपर हमने एक मेटेलिक वायर को कॉइल के रूप में लपेट दिया। अब इसके, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं एक सेल से, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई छोटे छोटे आर पिंस लेकर आए, तो वो इस नेल से, इस वायर से अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स दिस वायर, दिस नेल चेंज इनटू मैग्नेट, और मैग्नेट ही तो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है, दिस इज नॉट परमानेंट। जैसे ही हम इस सप्लाई को बंद करेंगे, यहाँ से सेल को हटा देंगे, तो हमारा ये जो नेल है, ये जो कॉइल है, वो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। तो जब तक सप्लाई रहेगी, जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। दूसरी बात, अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ाना चाहें तो क्या करें, तो पावर बढ़ाने के लिए हमें कोइल की, जो तार के हमने कोइल बनाई है, फेरे बनाए हैं, उनकी संख्या को, नंबर ऑफ कोइल को इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप नंबर ऑफ कोइल को इंक्रीज करते हैं तो आपकी मैग्नेट की पावर बढ़ जाएगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर वन की जगह टू सेल्स या एक बैटरी लगा देते हैं, तब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और उनकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करता है, इसी करेक्टर पे, करेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन। उस क्रेन में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से हम बड़े बड़े लोड्स को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। इसी का यूज होता है आपके टेलीफोन डिवाइस में, जो आपकी लैंडलाइन में टेलीफोन डिवाइस आता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे किसी का फ़ोन आता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का करेक्टर उत्पन्न होता है, और हमारी जो साउंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के रूप में नेक्स्ट पर्सन तक पहुँचती है। और इसका सबसे मेन जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपकी डोरबेल। डोरबेल में क्या होता है, एक ऐसा गोंग होता है, इसको कहते हैं आप गोंग। गोंग के पास एक आयरन का इस तरह का स्ट्रिप या हैमर होता है, ठीक है। ये जो आयरन का स्ट्रिप या हैमर है, इसके पास हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर हमने ऐसे कोइल कर रखी है वायर। अब ये जो आपकी डोरबेल है, उसमें हम सेल डालते हैं, ये सेल, इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है।
ठीक, जब हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, जैसे ही हमने स्विच को दबाया तो ये सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया, सर्किट इज कंप्लीट नाउ। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। ये जो कॉइल्ड वायर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाएगी, और ये इसके साथ लगा हुआ जो आयरन पीस है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस गोंग से, जो कि खुद एक आयरन का बना हुआ है, उस गोंग के पास जाएगा और हमें रिंगिंग सुनाई देगी, रिंगिंग बेल सुनाई देगी, क्योंकि ये इससे अटैच हो गया है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करते हैं, स्विच को छोड़ देते हैं, ऑफ हो जाता है सर्किट, सर्किट अब ओपन हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है। अब ये जो हैमर है ये दूर हट जाएगा, इस गोंग से अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा तो हमें रिंगिंग की साउंड नहीं सुनाई देगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, जिससे कि ये हैमर इस गोंग से आके क्रश हुआ, मैच हुआ, जिससे हमें रिंगिंग की साउंड सुनाई दी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे हमने सप्लाई बंद करी, ये गोंग और हैमर आपस में अलग हो गए, अब अट्रैक्शन खत्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अब नहीं है, ये टेम्परेरी बना था, अब सप्लाई के साथ ही बंद हो गया, अब हमें रिंगिंग की साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।